तो जाहिर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ये स्पष्ट है कि अब ये एएसआई सर्वे होगा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से सच आएगा सामने। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बी आर मणि, एएसआई के पूर्व अधिकारी जो 31 वर्ष से एएसआई के साथ कार्यरत रहे और नेशनल म्यूजियम के डीजी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डीके दुबे जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। डॉक्टर मणि, चूंकि अब ये पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेगा, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एएसआई क्या साक्ष्य एकत्रित करता है। ऐसे में जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एएसआई के कंधों पर। तो किन मायनों में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाना एएसआई के लिए एक बड़ी चुनौती, क्या देखते हैं चुनौती आप इसमें? देखिए, कोई भी सर्वे होता है तो उसका जो नॉर्मल कोर्स में सर्वे होता है तो पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके बाद फिर एक्सकवेशन होता है और फिर सारी चीजें इकट्ठी होती हैं और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों इमारतें मौजूद हैं। अयोध्या में ऐसा नहीं था, वहां मस्जिद जा चुकी थी और एक माउंट बन गया था जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सकवेशन किया। लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है, इसलिए यहाँ ज्यादा चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी की धार्मिक भावना को क्षति ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो सर्वे के लिए आदेश मिला है हाईकोर्ट की तरफ से उसका पालन हो। और सर्वे में खास तौर से जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जो आर्किटेक्चर है वहाँ का उस आर्किटेक्चर को समझा जाए, जो मौजूदा हालत में दिखता है उसकी पूरी तरह से स्टडी की जाए। तहखानों में संभवतः अलाउड है, वहाँ जाकर के स्टडी हो। और जहाँ तक साइंटिफिक सर्वे की बात है, मैं नहीं कहूँगा कि चूंकि जो डेटिंग की बात है, डेटिंग वाला काम शायद अभी नहीं हो सकता जी, उसमें वैसे भी वो जो शिवलिंग नुमा आकृति है उस पर तो कार्बन डेटिंग के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। क्योंकि आप तकनीक की बात कर रहे हैं, मैं वापस इसी तकनीक वाले मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि आपने जो अयोध्या में खुदाई हुई थी एएसआई के द्वारा, आपने उस खुदाई का नेतृत्व किया था और आपने स्पष्ट किया है कि इस ज्ञानवापी की तुलना अयोध्या की खुदाई से नहीं की जा सकती। यहाँ तो शर्त ही यही है कि आपको किसी भी चीज को खराब नहीं करना है। ऐसे में ये जो तकनीक की बात हो रही है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक की बात हो रही है, ऐसे में डॉक्टर मणि, कहां तक इस तरह की तकनीक के माध्यम से वो तथ्य सामने आ सकते हैं जो इतिहास में छिपे हैं या यहाँ पे अवशेषों में या मस्जिद के नीचे जो क्षेत्र है वहां पर छिपे हुए हैं, कहां तक संभव होगा इस तकनीक से? हाँ, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे है आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इसकी शुरुआत मैंने 1992-93 में की थी दिल्ली में 2-3 साइट्स पे एक्सकवेशन के दौरान, और बाद में अयोध्या में भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे हुआ। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको जमीन के भीतर भेजा जाता है, वो 20 से 30 मीटर नीचे तक जाती हैं और इन रिटर्न जो पल्सेस वापस आती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो निर्धारित करते हैं कि इसमें कोई हमें अलाइनमेंट दिख रहा है या नहीं। जो अगर कोई अलाइनमेंट दिखता है तो उसके आधार पे हम ड्राइंग तैयार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर निचली सतह में कोई संरचना है। उस संरचना का क्या प्रकार है, वो संरचना किसी धार्मिक संरचना से संबंधित है या नहीं,
जिसका पता नहीं चल सकता। चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास डॉक्टर मणि। हमारे साथ स्टूडियो में डीके दुबे जी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और दुबे जी, चूंकि हम जानते हैं कि अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, हिंदू पक्ष ने केविट दाखिल की है तो मुस्लिम पक्ष ने भी वहां पे अपील की है कि उनकी सुनवाई जल्दी की जाए। ऐसे में ये, क्योंकि जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के तर्क वितर्क रखे गए थे निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप ये पूरे मामले को क्या रुख में आगे बढ़ता देखते हैं? देखिए, एक तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि नीचे की अदालत ने ऑर्डर दिया तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो कर रहे हैं। सत्य ये है कि जब पहली बार सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, जनरल सर्वे का, एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो पूरा नीचे वहाँ से हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर से सीनियर जज के पास भेजा गया था और फिर वो घूम कर आया था। उस बात में जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देना चाहता, इसलिए न्यायालय अब उसको साइंटिफिकली जांच करना करवाना चाहता है कि उसका वैज्ञानिक पक्ष भी, मतलब और ज्यादा साक्ष्य इकट्ठे हो जाएं, और ज्यादा फैक्ट इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद निर्णय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये उसी पहले वाले सर्वे का एक्सटेंशन है और अब पहले वाले सर्वे के साइंटिफिक पहलू जानने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कोई बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए कि सब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं है, ये कानून के आधार पर कोई निर्धारण नहीं है, ये तो फैक्ट जानने की प्रक्रिया है और कानून की ये सामान्य प्रक्रिया है कि हम निर्णय देंगे किस पर, जब तक मेरे सामने पूरे तथ्य ना होंगे। तो तथ्य जानने के लिए वैज्ञानिक आधार है, तो जो उसकी अथॉरिटी है, जैसे ASI अथॉरिटी है, तो ASI से पूछेंगे कि भाई आप बताओ, तो ASI उस पर पहले सर्वे करेगी, पहले उसको जाकर वैज्ञानिकली जो जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई हमको यहाँ। तो मुस्लिम पक्ष का तो यही कहना है ना कि इस सर्वे को ही रोका जाए, वो तो यही एक मंशा के साथ जा रहे हैं, वो एक तर्क बार बार दे रहे हैं, उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है ये। हम जानते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर पहले भी याचिकाएं डलती रही हैं कि इसका सर्वे होना चाहिए ASI के द्वारा, लेकिन हर बार इसी का विधेयक का, इसी बिल का, इसी कानून का हर बार हवाला दिया जाता रहा है। हालांकि ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर भी चुनौती दी गई है कि कितना वैध है। तो ऐसे में अब अगर यही तर्क दिया जाता है तो क्या इसी कोई वैधता रहेगी? ये बात आज ऑनरेबल, भाई पिछली हेयरिंग में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी गया था, बिल्कुल, इसलिए चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के कहा है कि भाई सर्वे करवाने से ज्यादा अच्छी जानकारी लेने से दोनों पक्षों का लाभ है, अभी कोई हम फैसला नहीं करने जा रहे, कानून लगाने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि कानून तभी लगेगा जब हमारे पास तथ्य होंगे, बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, बिना उसका पूरा स्टेटस जाने हम कानून लगाएंगे कैसे? तो आप कहते हो ये कानून ऐसा कहता है, क्या उस कानून ने सर्वे करने को मना कर दिया है? क्या उसने जानकारी लेने से मना कर दिया? आप ऐसे समझिए, हम कोर्ट को बाहर निकाल देते हैं, ASI को किसी भी देश के स्ट्रक्चर की सांस्कृतिक और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है या उसकी जो ऐतिहासिक स्थिति, वो जानने का अधिकार तो है, ASI करता रहता है, न्यायालय में केस नहीं होता तो क्या ASI नहीं करता? ASI के पास ऐसे हजारों डेटा मंदिरों के हैं, ऐसे हजारों डेटा मस्जिदों के हैं जो संरक्षित मंदिर या मस्जिद हैं, और मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए, कोई उनको पुराना भूखंड भी मिल जाता है और यह पता लग जाए कि 1000 साल 2000 साल पुराना है तो उसको भी वो साक्ष्य इकट्ठे करते हैं। तो ASI केवल साक्ष्य इकट्ठे कर रही है, अब कानून क्या लगेगा ये तो तब तय होगा जब साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। इसीलिए पिछली बार भी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे और 1991 तब भी कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते इसके आधार पर, अब निचली अदालत में जाइए, वहां से चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट आया। तो तथ्य इकट्ठे करने में कोई बुराई नहीं और कोई कानून इस पर अभी लागू नहीं हो सकता, ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मणि के पास वापस जाऊं, दुबे जी एक और सवाल, क्योंकि अब इस पूरे मसले में बौद्ध पक्ष भी आ गया है, इससे भी इस पूरे मामले पर कुछ असर दिखता है? नहीं, बौद्ध पक्ष अभी मुझे तो नहीं लगता न्यायालय में पक्ष बन गया। जब हम पक्ष की बात करते हैं तो बाकायदा न्यायालय में तथ्यात्मक मामला दायर किया गया है, तो अभी उसका निर्णय होगा कि इनको उसकी पार्टी माना जाए कि ना माना जाए, अभी अच्छा। तो वही तय होगा, उसके बाद इसमें एंट्री जो भी जैसी भी होगी। जी जी, डॉक्टर मणि, अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से जो हम रडार टेक्निक की बात कर रहे हैं, इससे एक सीमित जानकारी हम तक मिल पाएगी,
क्या आपको लगता है आपके अनुभव के आधार पर कि आने वाले वक्त में कार्बन डेटिंग जैसे, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी है ये इमारत, तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या इस तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, कार्बन डेटिंग जो है वो किसी पत्थर की या इमारत की नहीं होती। कार्बन डेटिंग हमेशा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, लकड़ी हो या कोई पौधे हो या हड्डियां हो, उनकी डेटिंग हो सकती है। और कार्बन डेटिंग के लिए ये आवश्यक होगा कि कहीं ना कहीं एक आध छोटी मोटी ट्रेंच लगाई जाए और निचले सतह में अगर कोई कार्बन के सैंपल्स मिलते हैं तो उनकी डेट की जाए, तभी कार्बन डेटिंग संभव है। और अगर जैसे वर्तमान मुद्दे में, इस केस में किसी भी एक्सकवेशन को मना किया गया है और एएसआई ने उसके लिए हलफनामा भी दिया है, बिल्कुल, तो ऐसे में बिना खुदाई किए कार्बन डेटिंग तो नहीं हो सकती। ये है कि दूसरे तरीके हैं, जैसे जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं उस जगह जो मिलते हैं, या आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है उनका अध्ययन हो सकता है, इवन लिटरेरी एविडेंसेस जो है उनका भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा लिटरेचर है, पुराण है और दूसरे ग्रंथ है जिनमें स्पष्ट लिखा है कि देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना, अर्थात जो महादेव का या शिव का मंदिर है उसके दक्षिण भाग में वापी यानी ज्ञान वापी स्थित है जी। तो यानी ये मान सकते हैं कि इस पूरे मामले में जब एएसआई काम करेगा तो उसी के साथ जो इतिहासकार हैं या अन्य लोग हैं वो लोग जुड़ेंगे तो एक पूरी तस्वीर स्पष्ट होती नजर आएगी, लेकिन सबसे पहले नजर आएगी एएसआई को अपने सर्वे में क्या कुछ मिलता है। फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और न्यूज नाइट में आगे वक्त